नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। नवरात्र के चौथे दिन माँ आनंदी फाउंडेशन के द्वारा प्रकृति की गोद में डांडिया कार्यक्रम का किया गया आयोजन। माँ दुर्गे की पूजा शुरू हो चुकी है और आज नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा के आगमन पर माँ आनंदी फाउंडेशन के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान ग्राउंड में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत माँ आनंदी फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रिया सोने जी ने माँ दुर्गे की स्तुति से की। वहीं नीनू वर्मा जी के द्वारा माँ दुर्गे का भजन गाया गया, जिस पर लोग खूब चिड़के और डांडिया किए। उसके बाद एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांडिया खेली और खूब मस्तियां की। वहीं मौके पर संस्था की अध्यक्षा प्रिया सोनी जी ने कहा कि आज हम लोगों ने प्रकृति की गोद में खुले आसमान के नीचे डांडिया खेलने का निर्णय लिया है, जिससे हमें शुद्ध हवा मिलेगी और माँ की आराधना डांडिया के साथ साथ हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। वहीं मौके पर संस्था की अध्यक्षा प्रिया सोनी एवं नीलू वर्मा ने सभी लोगों को सुख समृद्धि और शांति के साथ दुर्गा पूजा की बधाइयां दी। वहीं कार्यक्रम का समापन माँ दुर्गे की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाएं शामिल हुई। आज का मैसेज है कि देवी माता का जो ये नवरात्र चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में हम लोग साल भर से इसका इंतजार करते हैं और बहुत ही पवित्र मन से हम लोग इसका पूजन करते हैं। और मातृशक्ति देवी दुर्गा और यहाँ पे जननी जितने भी हम लोग हैं उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। यहाँ पे एक एल्को ग्रुप चलता है, फिटनेस क्लब का जुम्मा, उसके हम लोग सारे सदस्य हैं, योग के भी हम लोग सदस्य हैं। सब हम लोग एकजुट करके माती शक्ति के रूप में इस माति स्वरूप का दुर्गा माँ का आज स्तुति किए और साथ में डांडिया भी किए। और सभी को, देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड को माता शक्ति दें और घर परिवार के साथ साथ समाज और हम लोग जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, हम लोग सब सुखमय जीवन व्यतीत करें। ऐसा है कि देवी माँ खुद शक्ति स्वरूप देवी हैं और हम लोग भी जननी हैं, तो हम लोगों में एक आत्मबल जगता है कि जब भी हम लोग इनकी पूजा करते हैं तो हम लोगों के एक मन में आत्मविश्वास और एक शक्ति, और हम किसी से भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते हैं और अपने आप को हम लोग बहुत धन्य मानते हैं। और ये पर्व हर साल हम लोग के लिए इसी तरह से उल्लास से आता रहे और हम लोग हर साल इस तरह से मनाते रहेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एरोबिक्स ग्रुप है, मैं एरोबिक्स करवाती हूँ यहाँ, तो इसलिए हमने ये जगह चुना। और हमारे मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, माँ आनंदी फाउंडेशन, तो उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। और कहने का तो मैं कर सकती थी, किसी होटल में भी कर सकती थी, बुकिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए इस जगह को चुना क्योंकि यहाँ पे क्या कोई कॉस्टिंग नहीं है हमारी, और हमारे संस्था जो है उसका एक उद्देश्य है, यदि फिजूल खर्च हम लोग नहीं करते हैं, जो वो कॉस्टिंग होते हैं तो वो हम किसी गरीब के जाके, जो नीडी पीपल है वहाँ पर हम लोग जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। इसलिए हमने आज ये यहाँ जगह चुना और सब लोग यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी खुली जगह है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना टाइमिंग का कोई है, तो हम लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय किए हैं। वो लोग आए, तुम लोग इंजॉय किया है नहीं? बहुत इंजॉय किए हम लोग। मैं प्रिया सोनी हूँ, मुझे प्रियंका भी कहते हैं लोग।